500 साल के एक दिव्य साधु को जब जबरन जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दौरान बस से उतार दिया गया, फिर समस्त यात्रियों के साथ उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास में वह दिन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और उस स्थान को आज भी पूजनीय माना जाता है जहां पर रथ यात्रा के दौरान उन साधु महाराज को उतारा गया था। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे कौन सा विशेष चमत्कार छुपा हुआ है वह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सनातन धर्म में साधु संतों के पास कितनी शक्ति होती है इसका पता आज के इस वीडियो से पता चलेगा, जिससे सभी कट्टरपंथियों को भी यह समझ आ जाएगा कि सनातन ही सत्य है। आगे बढ़ने से पहले भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जगन्नाथ धाम रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो चुकी है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। उड़ीसा राज्य बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है जहाँ अलग अलग जिलों से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए बस की काफी कम सुविधा थी, जिस वजह से साधु संत तो पैदल यात्रा करके भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच जाया करते थे, लेकिन आम दर्शनार्थियों के लिए पुरी पहुंचना काफी मुश्किल था। लेकिन कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी सभी जगन्नाथ भक्तों के लिए आई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के 26 जिलों से 90 स्लीपर बस जगन्नाथपुरी के लिए संचालित करी। पहले चरण में बसें 12 जिला मुख्यालय से चलाई गई, बाद में इसे सभी 26 जिलों तक विस्तारित किया गया और जैसे ही इन जिलों से बस सुविधा शुरू हुई तो दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लग गईं, क्योंकि सभी लोग भगवान जगन्नाथ के दीवाने थे और उनके एक झलक पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उड़ीसा के एक जिले संबलपुर से स्लीपर बस 50 यात्रियों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई। तभी रास्ते में एक साधु महाराज पैदल यात्रा करते हुए जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा की ओर जाते हुए दिखाई दिए। तभी बस कंडक्टर ने उन्हें हाथ दिखाकर बस के अंदर आने को कहा। उन्होंने उसके आग्रह को स्वीकारा और बस के अंदर आकर बैठ गए। जब बस लगातार जगन्नाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ रही थी तो आधा रास्ता तय हो चुका था। संबलपुर उड़ीसा से पुरी जगन्नाथ मंदिर की दूरी 300 किलोमीटर थी। 150 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद बस के सामने अचानक ही एक अवरोध आ गया। लैंडस्लाइड होने के कारण मुख्य रास्ता बंद हो चुका था। तभी ड्राइवर को यह सलाह मिली कि पास ही के जंगल का रास्ता आगे जाकर हाईवे पर मिलता है। अभी के समय में सभी गाड़ी उस रास्ते से ही मंदिर की ओर बढ़ रही है। तब ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बस को जंगल की ओर मोड़ लिया और अब बारी आई सभी यात्रियों से कि पैसे मांगने की। इसके बाद सभी यात्रियों ने एक एक करके टिकट कटाया। इसके बाद बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज से टिकट के पैसे देने को कहा। तब वह आश्चर्यचकित हो गए। उनका कहना था कि मैं तो तुम्हारे आग्रह पर बस के अंदर बैठा हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, साधु तो चलता भला, और मैं पैदल यात्रा करके ही जगन्नाथ मंदिर जा रहा था। लेकिन अचानक ही बस कंडक्टर को गुस्सा आ गया। उसने उन दिव्य साधु महाराज से कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो अभी के अभी बस से बाहर उतरो। उसके इतने कड़वे शब्द सुनकर भी उन साधु महाराज को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। इसके बाद वे शांतिपूर्वक बस से उतर गए और फिर से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। लेकिन उस बस कंडक्टर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्होंने कई साल साधना करके कई दिव्य सिद्धियों को हासिल किया था और अब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने बस कंडक्टर के साथ साथ समस्त यात्रियों के भी होश उड़ा दिए। उन साधु महाराज को उस स्थान पर छोड़ बस फिर से आगे रवाना हुई। ड्राइवर को कहा गया था आगे जाकर जंगल का रास्ता हाईवे पर मिल जाएगा, लेकिन जंगल का काफी सफर तय करने के बाद भी वे लोग घूमकर उसी स्थान पर आ गए जहां उन्होंने उन साधु महाराज को नीचे उतारा था, जहां उन्हें फिर से पैदल यात्रा करते हुए उन्हें साधु महाराज के दर्शन हो गए।
ड्राइवर ने पुनः बस को आगे बढ़ाया और इस बार पूरा प्रयास किया कि उन्हें सही रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह बस किसी भूल भुलैया का शिकार हो गई थी और बार बार अपना रास्ता भटककर उन साधु महाराज के आसपास ही आ रही थी, जहां सभी यात्री उन्हें पैदल यात्रा करते हुए बार बार दिख रहे थे। ऐसा तकरीबन 4 से 5 बार हुआ। बस स्वचालित वाहन होते हुए भी पैदल यात्रा करते हुए उन दिव्य साधुओं के पीछे ही थी और सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रही थी। बस ड्राइवर निराश हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि उन साधु महाराज की उपस्थिति में हमें बंद रास्ता होने के बावजूद भी मंदिर जाने का रास्ता प्राप्त हो गया, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें इस बस से नीचे उतारा उसके बाद से ही रास्ता सामने मौजूद होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अर्थात यह उन साधु महाराज का ही चमत्कार है। तब बस ड्राइवर ने कंडक्टर को आदेश देते हुए कहा, तुरंत ही पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन साधु महाराज को ढूंढो और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, और जब वह तुम्हें माफ कर दे तो सम्मान पूर्वक उन्हें पुनः बस के अंदर बिठाओ, तभी हमारी बस जगन्नाथ मंदिर पहुंच पाएगी। तभी बस ड्राइवर थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो उन्हें तो उसे वे साधु महाराज पैदल आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन वह साधु महाराज काफी शांत और चमत्कारिक थे। उन्होंने उस बस कंडक्टर को उठाया और एक बात समझाई कि भगवान के घर जाने के लिए भक्त को पैसों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सच्चे श्रद्धा भाव की, तो भगवान उसे खुद मंदिर तक बुलाने की व्यवस्था करते हैं। आज मैं तुम्हारी बस के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर जाऊं या पैदल चलकर मेरा मंदिर जाना तय है, लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं और तुमने उनके एक भक्त का अपमान किया है। मैं तुम्हारे साथ पुनः बस में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आगे से तुम किसी भी साधु को आगे रहकर बस में बैठने का आग्रह नहीं करोगे, और दूसरी शर्त यह है कि जाने अनजाने में कोई भी साधु तुम्हारी बस के अंदर मंदिर तक जाने के लिए बैठ जाता है तो तुम उससे पैसों की मांग नहीं करोगे। इसके बाद बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और सम्मान पूर्वक वह पुनः उन्हें बस में लेकर आया और उसी सीट पर उन्हें पुनः बैठाया। तब वे साधु महाराज उसी सीट पर आंख बंद करके बैठ गए, लेकिन सभी यात्री बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वह जंगल की भूल भुलैया में फंस गए थे और मंदिर में आगे बढ़ने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तब उन साधु महाराज ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बस ड्राइवर को रास्ता बताने लगे। जैसे जैसे वह रास्ता बताते जा रहे थे, बस ड्राइवर बस को उसी दिशा में ले जा रहा था। तकरीबन 40 मिनट का सफर तय करने के बाद आखिरकार वह भूल भुलैया से निकलकर हाईवे पहुंच ही गए। इसके बाद 4 से 5 घंटे में वे लोग जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे। ऐसे भी सभी यात्रियों ने उन साधु महाराज का आशीर्वाद लिए, क्योंकि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि दिव्य चमत्कारिक साधु थे। उनका नाम हरिदास ठाकुर महाराज था, जिनका आश्रम आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर समस्त यात्री और साधु महाराज बस से उतर गए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन सच्चे श्रद्धा भाव के साथ किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्णा जी के शरीर त्याग करने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। जगन्नाथ पुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा यह प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक अष्ट धातु चक्र है जिसे नील चक्र के रूप में जाना जाता है।
मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए कोई भी विमान मंदिर के ऊपर से नहीं जाती है। आशा करते आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप भी आज के वीडियो से प्रभावित हुए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, और हमेशा ऐसी ही सत्य चमत्कारिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।